करनी है तो कर ले। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ बाहर घूमने, तो मैं आप लोग को वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी, वीडियो पर बने रहिएगा। तो आज मैं बताऊंगी लास्ट में कहाँ घूमने जा रही हूँ, तो वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए मैं बता ही देती हूँ। तो मैं जा रही हूँ घूमने मेला। वो कौन सा मेला है? तो वो मेला है दिल्ली, दिल्ली में प्रगति मैदान में मेला लगता है। वो बहुत बड़ा मेला है, वो साल में सिर्फ एक बार ही लगता है, लेकिन बहुत बड़ा मेला लगता है। लेकिन मैं वहाँ पहले कभी नहीं गई हूँ, तो आज मैं वहाँ जा रही हूँ। तो चलिए मेला में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मेला आ चुकी है, बहुत दूर है दिल्ली में। तो देखिए मैं मेला में गेट का एंट्री कर रहा हूँ, इतना सारा सामान बिक रहा है। एक तो इतना भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मुझे मालूम नहीं था ये करीब 15-20 दिन से लगा हुआ था, और मुझे मालूम नहीं था। मैं इसके बंद होने के ठीक 2 दिन पहले गई थी, तो इसलिए इतना भीड़ तो है। लेकिन इस सैटरडे और संडे ही ज़्यादा भीड़ रहता है, तो मैं सैटरडे को ही गई थी। तो ये पूरा मतलब पूरा इतना अच्छा से सजा रखा है, तो क्या बताऊँ। और बहुत सारा सामान बिक रहा है, बच्चे का झूला है, पर्स, बहुत चीज़ बिक रहा है। लेकिन हाँ, सामान भी इतना ही महंगा है कि क्या बताऊँ, यहाँ बहुत ज़्यादा बजट है। और ये देखिए, ये ड्राइंग मिल रहा है, ड्राइंग बिक रहा है, लेकिन इसका भी बजट बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं बता नहीं सकती, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर है कि क्या कहूँ। मुझे लेने का बहुत मन था, लेकिन इसका बजट इतना ज़्यादा था कि मैं ले नहीं पाई। इसका बजट मैं बता देती हूँ आपको कि इसका बजट 15-20 के बीच में है, 2000-3000, 15-20, मतलब जितना जो छोटा वाला ही सिर्फ 2000-3000 का है, बड़ा बड़ा वाला तो बहुत ज़्यादा महंगा था। मैं पूछी नहीं, जब छोटा वाला पूछी तो इतना महंगा बताया, तो बड़ा वाला मैंने उसका बजट नहीं पूछी। तो मैं आगे बढ़ गई हूँ। तो ये देखिए, ये दूसरे गेट का बाहर निकलने का रास्ता है। तो मेरा बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था पूरी भीड़ को देख के, उसको भूख भी लग गया था। तो मैं सोची चलो कुछ खा के चलाते हैं, फिर घूमेंगे। तो मैं बाहर जाने का गेट खोज रही थी, तो गेट उनको मिल ही नहीं रहा था। मेरे बाबू बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं बाहर जाने का गेट मिला, तो गेट के पास ही एक कॉमेडी कर रहा था, एक भाईजान मिल गया, तो कॉमेडी कर रहा था। तो मैंने उसी को 2 मिनट खड़ा होकर मैंने वीडियो बना ली, बहुत अच्छा कॉमेडी कर रहा था। तो मैं आप लोग को सुनाती हूँ। कितने का नोट है? छू के देख लो कितने का नोट है, बाहर नहीं निकालना। देखो 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 कितने का नोट है? 200 का नोट है, यानी झूठ बोल रहा है? नहीं, ये तो गलत बात है। इसे कहते हैं अंधविश्वास, ठीक है? भाजपा आपने 100 का कहा, मैडम ने 200 का कहा, झूठ क्यों बोला? उसमें 100 का ही है, यानी आप सब बिल्कुल बोल रही है। मतलब फिर आपने क्यों झूठ बोला? मुझे 200 का ही दिखा है। आप सच बोल रहे हो, अच्छा झूठ बोल रहे? नहीं, उन्होंने जब देखा होगा तो उनको हंसे। ऐसा थोड़ी होता है, हमें आपने देखे बाद में भैंस देखे, ऐसा नहीं होता है भाई, नहीं होता है। इसलिए अंधविश्वास नहीं करना है, ठीक है जी? अभी लगता है सर 7 सालों में प्याज गहरा नहीं हुआ है, विश्वास कमजोर है, बात हो गई है। आप सही बोलते हैं, ये देखिए यार रुमाल है तुम्हारा, ठीक है जी? तो बात ये है कि भाई नोट को नोट तभी दबोगे जब आप टैक्स पेमेंट करोगे, और नहीं तो इधर छुपाओगे उधर छुपाओगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पैसा लगा करके देखिएगा तो झूठ सही में नजर आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। बाय बाय।